हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्यों? क्योंकि अब बीवी होने का हक निभाएगी सवी। देखती रह जाएगी रेवा, ना चाहते हुए भी ईशान को करनी होगी माँ गौरी माँ लक्ष्मी की पूजा, वो भी सवी के साथ। और आखिर क्यों कर रहे हैं ये दोनों ये पूजा एक साथ? कौन सा आशीर्वाद देने वाली है माँ? चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब यहाँ पर सभी मना कर चुकी है कि उसको ईशान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है। सावन का महीना है, महादेव के साथ माँ गौरी की पूजा होनी है और ऐसे में ईशान भी मना कर देगा, जिसके बाद सुरेखा ईशान से कहेगी कि ये तो तुम दोनों को करनी ही होगी चाहे जो हो जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे घर का रिवाज है। अब ऐसे में सभी कहेगी कि मैं ये पूजा क्यों करूं, आप तो मुझे इनकी बीवी मानती ही नहीं ना। लेकिन साफ साफ कह देगी यहाँ पर अब सुरेखा कि नहीं, तू इसकी बीवी तो है ना, इसने तेरी मांग भरी है भगवान के सामने, मंदिर में भरी है, तो तुम दोनों पति पत्नी हो और मैंने सारी औरतों को बुलाया है। ऐसे में ईशान और सवी को ना चाहते हुए भी माँ गौरी की पूजा करनी पड़ेगी। दोनों एक साथ पूजा करेंगे, इस पूजा में रेवा भी आएगी और जो पंडित जी आएंगे पूजा के लिए वो यहाँ पर सवी और ईशान को बहुत बड़ा आशीर्वाद दे देंगे। वो सभी से कहेंगे कि तुम दोनों ने जिस तरीके से और जिस श्रद्धा से पूजा की है उसको देखते हुए बेटा तुम बहुत जल्द माँ बनोगी। दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सौभाग्यवती रहो। दोस्तों, ये सुनकर रेवा का चेहरा उतर जाएगा, रेवा की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। क्या लगता है आपको, क्या अब रेवा कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगी शो में? वेल, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।